ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में जल्द खिलाड़ी को इंडोर स्टेडियम की सुविधा मिल सकती है क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने इसके निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, जिसके चलते सोलन के खिलाड़ी को बेहद आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी तक सोलन जिला में खेल विभाग का कोई भी अपना मैदान नहीं है। यही कारण है कि सोलन के खिलाड़ियों की प्रतिभा पूर्ण रूप से निखर कर पूरी तरह से सामने नहीं आ पा रही है। मैदान के अभाव से खिलाड़ियों की प्रतिभा यूं ही दम तोड़ रही है। सोलन में जल्द खिलाड़ियों को इंडोर स्टेडियम की सुविधा मिल सकती है क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने इसके निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, जिसके चलते सोलन के खिलाड़ियों को बेहद आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक सोलन जिला में खेल विभाग का कोई भी अपना मैदान नहीं है। यही कारण है कि सोलन के खिलाड़ियों की प्रतिभा पूर्ण रूप से निखर कर पूरी तरह से सामने नहीं आ रही है। मैदान के अभाव से खिलाड़ियों की प्रतिभा यूं ही दम तोड़ रही है। इंडोर स्टेडियम के बनने से खिलाड़ियों को बेहद फायदा मिलेगा, जहां वे बिना किसी रोक टोक और बिना किसी मौसम के प्रभाव के वे अभ्यास कर पाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंदर शर्मा ने बताया कि खेल विभाग द्वारा करीबन 2 करोड़ की अग्रिम राशि उनके विभाग में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए जमा करवाई गई थी, जो बेहद कम थी क्योंकि ये राशि काफी वर्ष पहले जमा करवाई गई थी। अब क्योंकि निर्माण लागत बढ़ गई है, इसके लिए विभाग द्वारा और राशि लोक निर्माण विभाग को दी जानी थी, जिसके लिए विभाग और प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया गया है और बाकी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। टेंडर प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया गया है। राशि की स्वीकृति आते ही कार्य को आरम्भ कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि लगभग 2011 या 12 के आसपास इसकी 6 करोड़ 71 लाख की एनडीएस आई थी, तो बीच में कारण रहे होंगे कि किस वजह से काम नहीं हुआ, लेकिन आज की स्थिति यह है कि 2 करोड़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जमा हुए हैं। लेकिन इन द मीन वाइल हमने एक रिवाइज्ड एनडीएस का केस भी लगभग 12.5 या 13 करोड़ के आसपास डायरेक्टर स्पोर्ट्स को भेज रखा है। तो हमने आज ही, बल्कि हमारी सर्कल ऑफिस में मीटिंग भी हुई आज सुबह ही, इसके बारे में स्पोर्ट्स डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफिस से, अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से भी आए थे उनके प्रतिनिधि, तो उनसे सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि इस एनडीएस को भी परस्यू करें, इसको करें, थोड़ा धन की व्यवस्था भी कराएं, क्योंकि एक गवर्नमेंट का रूल ये है कि एनडीएस का 30% होना आवश्यक है ताकि काम चल पड़े, तो पैसे के अभाव में फिर रुकने ना पाए, तो ये सुनिश्चित करने के लिए इस तरह से जुड़ गया। तो इस सारे पहलू को भी उनको बताया गया। अब देखते हैं, महीने भर के बाद हम फिर रिव्यू करेंगे। तब तक हमने टेंडर कॉल कर दिए थे और टेंडर खोल के अब जस्टिफिकेशन बना के टेंडर केस अप्रूवल के लिए भी हमने हायर अथॉरिटी को भेज दिया है। तो संभवतः अप्रैल के महीने में इसमें आगे प्रोसेसिंग हो जाएगी।